अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो आज रेसिपी मैं आपके पास लेके आई हूँ है चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत झटपट बनता है, तो इसके लिए जो अज्जा चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये चने की दाल तकरीबन 2 कप, इसको मैंने रात को पानी में भिगो के रखा था। चीनी 1.5 कप मैं बना रही हूँ इसको बटर में, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ये नट्स हैं, काजू ये भी कटे हुए हैं, बादाम इनको भी काटा हुआ है, ये भी बादाम है इनको क्रश किया हुआ है, किशमिश 2 किस्म की है, पिसा हुआ नारियल, और ये गार्निशिंग के लिए बादाम। ये दूध है, इसमें से थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे दूध। पानी, सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं दाल को बॉयल करना। व्यूअर्स, मैं दाल को प्रेशर कुकर में बॉयल कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो आप रेगुलर पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इसमें उतना सा पानी डालूंगी जिसमें दाल गल भी जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। आप चाहें तो इसको दूध में भी बॉयल कर सकते हैं। सिर्फ पानी और दाल को हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। अब चार से पांच मिनट के लिए हम इसको वेट लगाएंगे। चूल्हा ऑन करेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका वेट करते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारी चने की दाल जो है वो गल चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा जब हो जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। व्यूअर्स, दाल को ठंडा करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें, बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो गई है हमारी दाल। बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दाल। व्यूअर्स, दाल को ग्राइंड करते वक्त मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो दूध यूज किया है। अब हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। चम्मच को इसी तरह आप हल्के हाथ से चलाते रहिएगा। व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, और ये काफ़ी इसकी छींटे उड़ती हैं, एहतियात से। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, सर्दियों की ये जान है। आप ज़रूर बनाइए हलवा ये। अब मैं इसको उस वक्त तक इसी तरह से पकाती रहूँगी जब तक इसका घी जो है वो अलग ना हो जाए और ये इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ये देखें, जैसे जैसे ये तैयारी की तरफ आ रहा है, उछलना भी कम हो रहा है। तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसी तरह से इसको भूनते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फॉर्म हो गई है। ऑयल जो है इसने अब छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर और साथ ही इलायची पाउडर। शुगर, इलायची पाउडर मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चीनी का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। व्यूअर्स, चीनी का पानी खुश्क होने के बाद देखिए हलवे का कलर कितना खूबसूरत माशाल्लाह आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखने में देखिए कितना खूबसूरत है। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक इसका घी जो है वो अलग ना हो जाए। ये देखें, ऑयल जो है बहुत अच्छे से अलग हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँ नट्स। आप भी नट्स जो हैं जी भर के इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ा आता है इनके साथ। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये देखिए तैयार हो रहा है, चने की दाल का हलवा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वेरी वेरी डिलीशियस। व्यूअर्स, अब हमारा हलवा जो है ये रेडी है। ये देखें, जब दाना दाना बन जाए बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि ये चने की दाल का हलवा जो है वो रेडी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मजेदार सी रेसिपी चने की दाल का हलवा। खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को दें,
अगर मेहमान आते हैं तो उनको पेश करें, बहुत ही मजेदार बनता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर पास करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।